अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब की, जिनको आम तौर पर लखनऊ लतीफ़, लतीफ़ घोट, भटाई और बिट जो शाह के नाम से जाना जाता है। भटाई साहब 1690 में इस दौर के हाला के करीब हाला हवेली में पैदा हुए। वो सूफ़ी शायर शाह अब्दुल करीम बलरी के पड़पोते शाह हबीब के यहाँ पैदा हुए। उनके आबा व अजदाद अपना सिलसिला नसब चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलाते हैं। उन्होंने 14वीं सदी के आखिर में हरात से सिंध की तरफ हिजरत की। भटाई ने अपने बचपन के इब्तदाई साल हाला हवेली में गुजारे, लेकिन इसके बाद ये ख़ानदान करीबी कस्बे कोटरी मुग़ल मुंतकिल हो गया। रवायत के मुताबिक वो पढ़े लिखे ना थे, ताहम उनकी शायरी में अरबी और फारसी का इस्तेमाल, उनके अफकार में शायर रूमी का असर से ज़ाहिर होता है कि वो पढ़े लिखे थे। तकरीबन 20 साल की उम्र में कोटरी मुग़ल के एक अरगोन रईस मिर्ज़ा मुग़ल बेग की बेटी सईदा बेगम से प्यार हो गया। इस प्यार ने भटाई के ख़ानदान को मुश्किल में डाल दिया और उनको कोटरी मुग़ल से हाला हवेली वापस जाना पड़ा। ताहम इस मोहब्बत ने नौजवान भटाई पर गहरा असर डाला और वह सहराओं में भटकते हुए घर छोड़कर सिंध और मलेका इलाकों के ज़रिए सफ़र करने लगे। मोतीलाल जतवानी की तहरीरों के मुताबिक इन्हीं सफ़रों के दौरान उनकी शायराना तबीयत खुलकर सामने आई। उन्होंने अपनी नज़मों में इन मकामात का जिक्र किया है। पहले वो गंजो हिल गए जो अब के हैदराबाद के करीब है, इसके बाद ठट्टा और भंबोर से होते हुए कलाची जो के अब कराची है का सफ़र किया। सफ़र में उनकी मुलाकात जोगियों से हुई और उनके साथ जनूबी बलूचिस्तान के पहाड़ों में बंगलाज गए। मशरक़ में वापसी पर उन्होंने लाहौर का दौरा किया और फिर द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ और कच्छ के इलाके में और कई इलाकों का सफ़र किया। मगरिब में वापस आकर उन्होंने नगर पारकर में करंजर पहाड़ों का दौरा किया। थर में जोगियों से अलहदगी इख्तियार करते हुए वो ठट्टा और फिर घर वापस आने से पहले जैसलमेर गए। इन सफ़रों ने उनकी शायरी पर गहरा असर डाला। भटाई जब 3 साल के बाद वतन वापस आए 1713 में, मिर्ज़ा मुग़ल बेग उन डाकुओं के ताकब में मारे गए थे जिन्होंने उनका घर लूटा था। इस वाक़े के बाद भटाई की शादी सईदा बेगम से हो गई जिनसे वो मोहब्बत करते थे। शादी के बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई और शादी के चंद साल बाद सईदा बेगम का इंतकाल हो गया। भटाई तनहा रह गए, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और सारी ज़िंदगी बे औलाद ही गुजार दी। इस जुदाई ने उन पर गहरा असर डाला और वो नमाज और इबादत में लग गए। उनके तकवे ने बहुत से पैरोकारों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। इसी बिना पर उमरा और सिंध के हुक्मरान नूर मोहम्मद कलोड़ो उनके दुश्मन बन गए। कहा जाता है कि उन्होंने भटाई को जहर देखकर कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। अपनी मौत से तकरीबन 10 साल पहले भटाई अपना घर छोड़ कर हाला हवेली से चंद मील दूर एक रेत के पहाड़ पर मुंतकिल हो गए थे, जो बाद में बिट शाह भटाई के टीले के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए उनका लकब भटाई बिट का रहने वाला है। शाह भटाई रहमतुल्लाह अलैह 21 दिसंबर 1752 14 सफ़र 1166 हिजरी को 63 साल की उम्र में बिट में वफात पा गए और वहीं दफन हुए। उनकी कब्र पर उस वक्त के सिंध के हुक्मरान मियां गुलाम शाह कलोड़ो ने 1754 में मकबरा तामीर करवाया। भटाई की शायरी मुसलमानों और हिंदुओं में यकसा मकबूल है। भटाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक किस्सा ये भी मशहूर है कि जब उन्हें हरूफ़ तहजी सिखाए जा रहे थे तो उन्होंने हरफ अलिफ के अलावा कुछ और ना सीखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अलिफ अल्लाह के नाम की अलामत है, इससे बढ़कर दूसरे अल्फाज की कोई कीमत नहीं। उनका मकबरा सिंध में एक मशहूर ज्यारत गाह है। उरस उनकी वफात की सालाना यादगार हिजरत कैलेंडर 2 महीने 14 सफ़र को मनाया जाता है। ये तकरीब 3 दिन जारी रहती है। इस तकरीब में दुआएं, मौसीकी, नुमाइशें
अदबी कॉन्फ्रेंसें और घोड़ दौड़ें होती हैं। सूबे भर से और दूसरी जगहों से लोग मज़ार पर आते हैं और अकीदत से उनके उर्स में शिरकत करते हैं।